शैक़ौरजीम बसमिल्लर रहीम सलामल आल बक़ै ला आज़म इमाम हुसैन आलाम फ़ोर आलमी चैनल करबला मुक़दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम आर फ़स मंतज़र अजल्ह तरजरीफ़ में आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हमारे बक़िया जितने भी ट्रांसमिशन हैं उनको आप मुलायजा फ़रमा सकते हैं जादू टी वी रोको टी वी एमज़ोन फ़ायर टी वी एपल टी वी भावनगर गुजरात हिंदुस्तान में हुसैनी चैनल के तवस्त से आप हमारे प्रोग्राम्स को मुलाजा फरमा सकते हैं और इसके अलावा हमारे वो दोस्तान जो सोशल मीडिया के ज़रिए से हमारे प्रोग्राम्स को फॉलो करना चाहते हैं वो फेसबुक इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी हमारे प्रोग्राम्स को देख सकते हैं और इन तमाम के तमाम जो मैंने अर्थ किए इनके एड्रेस टी वी स्क्रीन पे पर आपकी खिदमत में मौजूद है वहीं से ही आप इन चीज़ों तक इनशाला रसाई हासिल कर सकते हैं मुंजी आलम बशरीत हज़रत इमाम ज़माना आनवान से हमारी गुफ्तु का सिलसिला जारी है और मुहर्रमुल हराम की आमद भी है तो गुफ्तु इनशाला लज़ीज़ आज के इस जलसे में इमाम ज़माना आलाम और हज़रत सैयद सैद के केनवान से आगे बढ़ाएंगे, चूँकि जाहिर है कि इमाम हुसैन आलम और फिर सरज़मी करबला और उसके बाद हज़रत अबी आब्द हसैन की, की मजलूमत की शहादत ये तमाम के तमाम मसाइल वारस हकीीक़ी हज़रत इमाम महदीय मऊद रजल्त फरजशरीफ़ के साथ मरबूत है तो हमें सबसे पहले करबला समझने की कोशिश करनी चाहिए कि करबला और मकासद हज़रत सैद सलाम क्या थे और ऐसे क्या वजूहत पेश आए ऐसी कौन सी तब्दीली आ, आ गई एक दफ़ा इस्लाम में कि वो रसूल के जिन्होंने साफ़ अल्फाज में फरमाया था कि मेरे बाद बादन और अपनी इतरत यानी किसी हालत में भी वो अपनी इतरत को नहीं छोड़ रहे हैं और किसी तरीके से बार बार कह रहे हैं कि कुरान के साथ साथ हमारी इतरत की तरफ भी रजू करें और फरमाया कि जब अरब के लोग जमा हो गए तो उन्होंने कहा कि आपने हमारे लिए ज़हमत उठाए हैं तो हम भी आपको कुछ ना कुछ हदिया देना चाहते हैं और आप हमसे भी कुछ हदिया ले लें ताकि आपने जो जहमत दिए कम अज़ कम उसका कुछ अजर और कुछ सिल्ला आपकी ख़िदत में पेश किया जाए तो साफ़ अल्फाज में कुरान मजीद में आयत इलाही और अल्लाह की तरफ़ से आयत नाज़ल हुई रसूलुल्लाह के मुक़दस लबान पे ये जारी हुआ फरमाया कि अलैहिम अजरन अचरन अलमवदा फिल क़ुरबा फरमाया अगर ये लोग जो आपसे कह रहे हैं कि हम आपसे अज़र देना चाहते हैं कुछ सिला देना चाहते हैं तो साफ अल्फाज में कह दें कि मेरे मेरी इतरत के साथ अकरबा के साथ जो मेरे रिश्तेदार है उनके साथ आप आपदत रखें साफ़ अलफा में और ये भी फरमाया कि हती कि यहाँ तक के फरमाया ये हसन और हुसैन मेरे फ़र्जंदान है और फिर ये भी फरमाया कि मैं हुसैन सी हूँ और हुसैन मुझसे हैं इस किस्म की ज़्यादा यानी तोज़ीहत और इस किस्म की ज़्यादा जो सिफारिशात किए गए थे आल के लिए और अहले बैत के लिए ऐसा क्या हुआ कि लोग जो है वहीं ज़िंदा है अभी कुछ ज़्यादा वक्त भी नहीं गुजरा इकसठ हिजरी है कोई बहुत बड़ा अरसा नहीं है इकसठ हिजरी को इकसठ हिजरी को हज़रत सैयद सैद अलैहिस्सलाम तमाम के तमाम जो मुस्लिमीन अपने आप को कहते हैं वो एजमा कर लेते हैं अल्लाह अकबर एजमा करके नवास रसूल सिपते हज़रत रसूल अल्लाह सल वाल ही को करबला के सरजमीन में शहीद कर देते हैं ऐसा क्या हुआ बहुत सारे अर्ज़ कर चुके हैं आयात कुरानी मौजूद हैं आयात कुरानी मौजूद है सूर ततहीर, आयत ततहीर मौजूद है आयत ततहीर में तरफ़ैन का ये मुतफिक का फ़ैसला है और उस ज़माने में जो आज के ऊलमा का फैसला है तो उस ज़माने में तो सबके लिए बात आश्कार थी कि इससे मुराद इसमें से ये जो अब क़ैसा में से असहाे के सामने से एक हज़रत सैद शहदा है और उसके बावजूद भी उम्मत जो है उन्होंने इजमा कर दिया और कहा कि कई सैकड़ों हज़ारों मुफ्तियों ने फतवे दे दिए शहादत हज़रत सैद सलाम के लिए ऐसा क्या हुआ इन सब चीज़ों को हमें ठीक तरीके से समझना है कैसे कौन से वाक़ आजकल के बच्चों के लिए ठीक है हम लोग आज़ादारी तो दिखा रहे हैं इनको आज़ादारी भी उनको समझा रहे हैं ये सब कुछ अपनी चीज़ पे और नहायत ही यानी इन चीज़ों को हमने जो है वो ग़ौर से देखना है कि उम्मत जो है वो इस क़दर यानी उम्मत जो है उनके लिए बिल्कुल वाज़े है ये बात कि हज़रत सैद शहदा नवास रसूल है और हर अतबार से लोगों के लिए बिल्कुल रोजे रोशन की तरह ये बात वाज है बिल्कुल रोजे रोशन की तरह ये बात वाज है कि हज़रत सैद शहदलाम को तकलीफ़ देना ये रसोल्ला को तकलीफ़ देना है लेकिन उसके बावजूद भी उम्म जो है वो इस मसले पर खामोश रही मुफ्तियों ने फतवे दे दिए और उम्म ने बल्कि अजमा कर दिया एक तरीके से तो अर्ज़ ये है कि अवला तो मैं एक चीज़ नुकता आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ ये जो बाज़ अफरा कहते हैं ये उम्मत की इजमा है उम्मत की इजमा है ये ये गलत चीज़ें हैं हक जो है वो एक तरफ भी हो सकता है हमें हक की तरफ जाना है हमें इजमा की तरफ नहीं जाना है ये ओलमा की इजमा है ये उम्मत की इजमा है यह इजमा तो इन्होंने हजरत सैद शहादा की शहादत के लिए भी की थी यही इजमा यह जो आज के लोग कहते हैं हमारी उमत की इजमा है कि हम फलां काम इस ये उम्मत की इजमा और जब हमारे मजहब हक्का की बात आती है तो ये लोग कहते हैं कि उम्मत की इजमा यह है कि अहल सुन्नत जमात जो है वो सबसे ज़्यादा है तो ये इजमा तो आप लोगों ने कतल कतल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर भी इजमाप कर चुके थे ये कोई आज की इजमा है आपकी तो हम इस चीज़ों को नहीं मानते हम इजमा के कायल नहीं है बिल्कुल उस तरीके से जैसे आप लोग कह रहे हैं एजमा जो है कभी कभार पूरी एजमा जो है वो गलत पर होती है और एक तरफ़ जो है वो हक है यानी हो सकता है एक शख्स हक पे हो पूरे के पूरे लोग जो है वो बातिल पे हो तो अर्ज़ ये है कि हम लोग इस किस्म के एजमा नहीं चाहते चूँकि हमें इन एजमाओं से नुक़सान हुआ है हज़रत सैद शाह शहादत तो अर्ज़ यह है कि हमें अपने बच्चों को अब जो हमारे बच्चे हैं उनको हम आज़ादारी बता रहे हैं उनको हम सब चीज़ें समझा रहे हैं और उनको जो है हम मुकम्मल तौर पे आज़ादारी की तरफ रगबत दे रहे हैं लेकिन इन इस इस रगबत में एक चीज़ ज़रूर आप याद रखें कि कुछ उनको तारीख़ और कुछ इस किस्म के जो मकासद हैं वो ज़रूर समझा दें ताकि आज़ादारी जो है वो वो मुकम्मल तौर पर बीनाई के साथ जिसको कहा जाए बसरत के साथ पूरी बसीरत के साथ आज़ादारी करने के अल्लाह उनको तोफ़ी दे तो ये एक चीज़ है कि हमें सबसे पहले तबारीख़ की तरफ जाना होगा और तबारीख को देखना होगा कि ऐसे कौन सी चीज़ें थी और ऐसे कौन से हालात थे कि वहाँ से ऐसे वाक़ हुए जब तक हमारे आज के मोज़ मेहमान तशरीफ़ नहीं लाते मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता जाऊँगा और इन शजीज अगर ज़िंदगी रही तो मुहर्रम में भी गुफ्तू करते रहेंगे इसी मौजुआत पे हज़रत सैद शहदा सलाम की शहादत क्यों हुआ क्या हुई अच्छा सबसे पहले अगर मैं तारीख को उठाना चाहूँ मुख्तसर तरीके से भी उठाना चाहूँ तो तारीख का सिलसिला यहाँ से शुरू हो जाएगा कि रसूल ने अपने बाद जानशीन का इंतखब कर दिया और वह जानशी हज़रत अमीरमोमिन अमीर थे गदीर का रोज़ गुज़रा है गुफ्तु हुई है आपसे सुन लिया कि सबसे पहले तारीख को यहाँ से ले लें कि रसूल ने अपने अपनी शहादत के बाद जानशीन को तयन कर दिया और वह सलाम थे उम्मत ने इस पर भी इजमा कर दिया और उम्मत की एजमा में सकीफ़ा से खलीफे अव्वल जो कि आजकल मुस्लिम के, के खलीफ़ा हैं उन्होंने जाके आ, उसको उन्होंने कर लिया यानी रसूल की बात को छोड़ के उन्होंने उसको पकड़ लिया उसके बाद जो है जो खलीफानी का दौर है खलीफ़ अव्वल की वसीयत पर खलीफानी बने हैं वसीयत कर रसूल अल्लाह ने वसीयत नहीं की थी इन्होंने वसीयत कर दी कि इसको बनाए वो वो वसीयत पे बन गया तीसरा खलीफ़ा जो है फिर से इजमा हुआ और वोट हुए एक तरफ हज़रत अमीर अमौमिनीसल्लाम दूसरी तरफ ख़लीफ़ सालिस जो कि मुस्लिम के, के खलीफ सालिस बहरहाल वो जो है यहाँ पर बहरहाल वो वाकयात बहुत लंबे चौड़े वाकयात हैं कुछ अफराद को इंतखा किया गया था कि ये वोट देंगे और उसमें से एक शख्स आया सलाम के पास और उसके वोट की कीमत दो बंदों के बराबर थी जो कि खलीफ़े सानी ने कहा था तो उसने कहा कि मैं आपको या अली वोट देता हूँ लेकिन आपने सीरत शखैन पर अमल करना पड़ेगा यानि खलीफेसानी के सीरत पर अमल करना पड़ेगा अमीर अमीरमिनीम ने फरमाया कि मैं सीरत रसूल पर अमल करूँगा सीरत शैन अमल नहीं करूँगा चूँकि दीन रसूल का है तो इस पर वो नाराज़ हुआ उसने कहा ठीक है फिर मैं अपना वोट जो है वो खली सालिस को दे देता हूँ बहरहाल इसी तरीके से कि वो उसने गया और वोट दे दिया उसके वोट भी दो के बराबर थे और एक वोट अमीर अलौमिनी सलाम के पास आया और तीन वोट उसके पास आए बहरहाल वो ज़ाहिरन जीत गए ये भी इनके जुलम यानी आप देखें और उसके बाद दौर हज़रत इमाम हसन मुशतबाँ का आया और अमीर अमौमिनीम का दौर उसके बाद आया फिर उसके बाद का दौर जो है जो जंग हुई जमल हुई नहरवान हुई सिफीन हुई यानी जो पाँच साल का अरसा या तीन साल का अरसा बताते हैं अमीर अमौमीनी की हुकूमत का तो ये अरसे में भी जंगें हुई तीन जंगें बहुत बड़ी जंगें हुई और काफ़ी लोग फ़ौत हुई एक जमल के अंदर जो है एक जमल के अंदर बीस हज़ार मुसलमान कत्ल हो गए और सिफिन में कितने फौत हो गए कुछ शहीद हो गए कुछ मर गए जो भी था बहरहाल अब इसके बाद इमाम हसन सलाम का दौर आता है इमाम हसन मुशतबा का दौर और यहाँ पर हालात बड़े कशीदा हो जाते हैं इमाम सुलह कर लेता है माव्या के साथ माविया के सुलह में ये बात ज़रा गौर करें मौया के सुलह में एक मुहिम नुकता यह था कि वह अपने बाद किसी को खलीफा नहीं बनाएगा अपना जानशीन नहीं मुकर करेगा तो मौविया ने क्या कर दिया मौविया ने जब वो उसके वक्त वफात आया तो इन्होंने अपने इस अहद के ऊपर जो इमाम हसन सलाम के साथ इन्होंने सुलह की लिस्ट में ये शर्त रखी थी इसके ऊपर इसको ज़ीर पा कर दिया और इस पर उसने अमल नहीं किया और जाके यजीद को यजीद को एक ख़त लिखा और कहा कि मैं अपने बाद अपने बेटे यजीद इबन माविया को अपने बाद खलीफ़ा मुकर करता हूँ इमाम हसन मुशतबा के सुलह के साथ इन्होंने जो सुलह इमाम हसन मुशतबा के साथ उन्होंने खिलाफ वर्जी की उसमें जो लिखा था अबतः खिलाफ वर्जियाँ बहुत सारी हुई थी क्योंकि उस एक शर्त यह था कि आप हमारे इमाम हसन मुशतबालाम ने उसमें लिखा था कि आप हमारे बाबा हज़रत अमीरमोमिनली अमीर अब नेबी तोलब के साथ उनके ऊपर जो 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 साब और श, शतम करते हैं और आ, जो जो गाली गलूच करते हैं जो कि उन्होंने वो ज़माने में क्या करते थे ये माविया और उनके जो हवारी थे वो ये काम क्या करते थे तो इनको ये भी लिखा था लेकिन वो भी बंद नहीं हुआ था फिर उनका सुलह कर रहा हूँ लेकिन हमारे वालद के ऊपर इस किस्म की जो है वो नारावा कलमत उनके लिए इस्तेमाल न किए जाए लेकिन उन्होंने नहीं कहा इसके अलावा भी बहुत सारे उसमें थे कि ये ख़िला वर्जियों की एक पहाड़ है और ये आप देख लीजिएगा उनमें से सुलह में तो उसमें से एक ये थी कि जहाँ नशीन मुकर्र ना किया जाए इन्होंने मुकर्र कर दिया यजीद अब न माविया को और जब यजीद का दौर आया तो यजीद ने कहा कि आ उसके लिए ये भी लिखा था उस खत में माविया की तरफ़ से जो यजीद के लिए ख़त था उन्होंने ये भी लिखा था कि आप मुख्तलफ़ जो उमरा है अरब के उनसे आप आप ले लें और उसमें से कुछ नाम भी लिखे थे उस नाम में से एक नाम हजरत है इमाम हुसैन आलाम का था एक नाम इमाम हुसैन और इसके लिए वो बाक़ियों के लिए उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं लिखा था लेकिन इमाम हुसैन आलाम के नाम के साथ तइद की गई थी ताक़द की गई थी कि इनसे हतमन बेअले लें चूंकि अगर ये राज़ी नहीं हुआ तो आप कभी भी खलीफा नहीं बन सकते बैरल इन्होंने हज़रत सैद शम और बाक़ियों से बैत के तकाजे कर दिए उसमें से एक दो फरार हो गए और एक ने बैत कर ली और इमाम हुसैन आलम की जब बारी आई तो बैरल उन्होंने सख्ती करने की कोशिश की और इमाम ने जो है वो बैत काबूल नहीं किया और एक तारीख़ी जुमला भी कह दिया कहा मुझ जैसे इमाम हुसैन आसमाम ने फरमाया मुझ जैसे ये नहीं कहा कि मैं फरमाया मुझ जैसे तुझ जैसे कि बैअ नहीं करते यानी गोया ये मैं और आप के लिए एक आज़ादी आज़ादी का पैगाम है कि हम लोगों से क्यों मसलन जब इमाम फरमा रहे मुझ जैसे यानी मैं और मुझ जैसे जो हक़ पर होते हैं वो तुझ जैसे यानी तू और तू जो बातिल तेरी तरह जो बा पे होते हैं उनकी बेअ नहीं किया करते अजीब जुमला कह दिया तारीख़ में मौजूद है अब इबन इबराज इसफहानी जो कि एक सुन्नी है उन्होंने भी मक्तल में ये लिख दिया है कहा मुझ जैसे तुझ जैसे कि भाई अत नहीं करते तो ये इमाम का वो था यानी आज कल के दौर में भी हमारे लिए भी यही है हमारे लिए भी यही है जुलम के सा, सामने सर को तस्लीम करना बातिल के सामने सर को तस्लीम करना अपने मौत की डर से अपनी मौत की डर से या अपने नुकसान की डर से भाई मैंने नुकसान हो जाएगा नुकसान तो हो जाएगा लेकिन ये जो ज़मीर है वो ज़मीर का क्या होगा जो आपने जाके फरोख कर दिया अल्लाह भक तो आगे का सिलसिला और यजीद ने सख्ती की अपने खलीफा को भेजा उनसे कहा इनसे आप इनको बुला के इनसे बेअ ले लें मेरे लिए और वह बेत इमाम ने बैरल और फिर जो है जैसे आपके इलम में है कि इमाम जो है वो हज की तरफ चले जाते हैं और ये हाजियों में भी कुछ ऐसे अफराद को भेज देते हैं कि वो एहराम बांधे हुए हैं लेकिन उनके सामने सात तलवारी भी है और वो इमाम को कत्ल करना चाह रहे थे तो इमाम जब वहाँ पहुँचे हैं तो इमाम ने वहाँ से हज को तर कर दिया और कहा कि ये सरजमीन बैतुल्ल है और सरजमीन खुदा है तो हम जो है वो यहाँ खून नहीं बहाना चाहते तो इमाम वहाँ से आए और ये एक आ, बहुत बड़ा जो वो हुआ और उसके बाद जो है आ, शहादतें और करबला का वो लेकिन हाँ ये है कि इमाम जब निकल रहे थे तो उन्होंने यही कहा कि मैं अपनी अपने जद की उम्मत की असलाह के लिए निकल रहा हूँ असलाह करने के लिए आज तक का हमारा पैगाम है ये अपनी उम्मत की अपनी उम्मत अपने जद की उम्मत के असलाह के लिए निकल रहा हूँ यानी जो असलाह है मैं ये करना चाहता हूँ यानी हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि वो हालात यानी इमाम क्यों तलवार उठाए इमाम ने क्यों तलवार उठाई उसकी वजह ये थी कि अवला जो माविया का दौर है बज़ाहिर अपने आप को उन्होंने मुसलमान शो किया हुआ था अपने आप को मुसलमान शो किया हुआ था नमाज़ें पढ़ते थे और अल्लाह हल्ला करते थे और बाकी जो ज़िंदगी थी वो बड़ी शहाना किस्म की ज़िंदगी थी उनकी लेकिन उसके बाद जो है बहरहाल वो ज़ाहिरन जो है वो इस्लाम को थोड़ा सा फ़ॉलो कर रहे थे जो कि लोग ये देख रहे थे हाँ ये कोई इस्लामी ख़लीफा होगा लोगों के लेकिन जब दौर यजीद का आया ये यहाँ पर मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ कि इमाम हुसैन आसमाम को क्या ज़रूरत पड़ी कि उन्होंने तलवार उठाई और यजीद के साथ जंग करने के लिए आमादा हुई अलबत्त जंग के लिए भी ज़बरदस्ती उनसे जंग कराई गई थी लेकिन सिर्फ़ इमाम ने बस नहीं की थी तो ये शख्स जो है ये इनके बड़े मशहूर अशार है इन्होंने वो इस्लाम का वो सब कुछ ही छोड़ दिया यानी आपने आपको को मुसलमान ही नहीं कहता था यहाँ तक कि ये ये यहाँ तक ये कहता था कि न तो कोई वही उतरी है ना तो कोई कुरान है कुछ भी नहीं है ये सिर्फ इन बनी हाशिम ने लोगों को बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है यानी इस शख्स की जिस तरीके से इसके नज़रियात थे और जिस तरीके से इनके तफ़रात थे यजीत के ये कुछ हद से ज़्यादा थे यानी यहाँ तक कि ये कुरान का मुनकर है रसूल का मुनकर है और खुदा का भी मुनकिर है हर चीज़ का मुनक है यानि इस क़दर ये फासिक और फाजर है कि जिसकी कोई हद इंतहा है हर चीज़ को ये बंदरबाज है बंदर पाल रहा है और उसके अलावा जो है बिल्कुल यानी जिसको कहा जाए एक सीरियस ही वो नहीं है और यहाँ तक जो एक बहुत बड़ा वो गैर ज़िम्मेदारी जो मिलती है इसकी यानी हम शिया नज़रियात के अलावा भी हम अगर देखें तो माओया को माओया ने जो जिम्मेदारी का मुजाहरा किया हुआ है जो या को इन्होंने बनाया हुआ है और इस कदर के ये शख्स जो है वो बिल्कुल सीरियस ही नहीं है अपने उसमें ये सीरियस ही नहीं है इसको कोई पता ही नहीं है हुकूमत तो दूर की बात ये तो नॉर्मल आदमी भी नहीं है इसको इन्होंने इस फासिक और फाजर को बनाते हैं और फिर जाके ये अपने दरबारों में जो है जब इनका बंदर मरता है तो फिर तीन दिन की जो है वो पूरे के पूरे इस्लामी गवर्नमेंट में बंदर के मरने पर तीन दिन की छुट्टी कर रहा है यानी इतनी सियासी दीद है इसकी इस कदर सियासी दीद है कि आप यानी हद से ज्यादा हद से ज़्यादा बेवकूफ़ और हद से ज़्यादा फ़ासिक और फाजर चूँकि बेवकूफ़ जो है वो बेवकूफ़ी तो अपनी जगह पर काबिल तहमुल है लेकिन एक शख्स जो हद से ज़्यादा फ़ासिक और फाजर कि वो कह रहा है ना तो कोई कुरान उतरा और ना ही जो है वो रसूल के ऊपर कोई वही आई है और ना ही खुदा है इस कदर इस ये ये शख्स जो है वो इस कदर है और आपकी खिदमत में अर्थ करूँ कि बाद जो कि अभी तारीख भी थे ये इसका वाक्य है हर्रा की तरफ वाक्य हर्रा जो है ये एक अजीब वाक्य है करबला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद इन्होंने मदीना वालों ने थोड़ी सी आवाज़ बुलंद की चूँकि सहाबी मौजूद थे कहते सात सौ सहाबियों सहाबी ज़्यादा थे लेकिन सात सौ इस वाक़े में फौत हो चुके थे यानी इनको मारा गया था कत्ल कर दिया गया था इन्होंने आवाज़ बुलंद की और जब शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुई तो इन्होंने आवाज़ बुलंद की और कहा कि हम जो है वो ये यजीद की मजम्मत कर दी तो याजीद ने एक सालार को भेजा जो कि यहूदी सालार था और अपने ओमों में मारूफ था मुस्लिम नाम था उनका मुस्लिम नाम था और ये इसको इन्होंने भेज दिया और भेजने के बाद इसने वहाँ पर तीन दिन तक मदीने की जो साहब आजादियाँ थी उनको इन्होंने हलाल कर दिया जायज़ कर दिया कहते हैं इनके साथ जो भी करो वो करो यानी मैं अब ये जुमला जो है मैं मजबूर हूं कि कह दूं कि हर्रा के बाद एक साल के बाद हर्रा के एक साल के बाद हज़ार सहाबाज़ादियाँ नाजायज़ हामला हो गई थी हज़ार सहाबाजा वो हामला हो चुकी थी मदीना में शौहर नहीं थे उनके इसके लिए चूंकि उन्हें जायज़ कर दिया था कि जो भी इनके साथ करो वो करो तीन दिन तक और सात सौ सात सौ सात सौ हदीस के हाफिज, कुरान के हाफिज, कुरान और हदीस के हाफिज साहबा उनको इन्होंने कत्ल कर दिया कत्ल कर दिया इनको यजीद ने कत्ल कर दिया उसी शख्स के उस पर हर्रा में और क्या क्या वाकयात इन्होंने किए क्या क्या जुल्म की इंतहाँ इन्होंने कर दी आज के दौर में ये माविया को चूँकि माविया के ऊपर भी एक इशकाल आता है मैं अभी अर्ज़ कर चुका हूँ कि लोग ये कहेंगे कि ये माविया किस किस्म का आदमी था कि इतने गैर जिम्मेदार के हाथ जा के पूरी इस्लामी गोरमेंट उन्होंने पकड़वा दी तो इन लोगों ने माविया को चूँकि इश्काल उसके ऊपर वारद हो रहा है ये शहादत इमाम हुसैन आसलम और फिर उसके बाद जो है ये तवारीख़ में लिखे हुए चीज़ें हैं और ये वाक़ हिर्रा या हर्रा इसको जो है ये दो ऐसे वाक़ात है कि और तीसरा भी एक है वो जाके मक्का के ऊपर वो करना तो ये सब के सब वाकयात हैं अलबत् तो इनसे अब वो उनको बचाने के लिए माविया को बचाने के लिए यजीद की दिफा कर रहे हैं तो ये शहादत हजरत इमाम हुसैन आसम इस वजह से आई कि कोई और चारा ही नहीं था ये शख्स जो है इन्होंने इस्लाम का जिस तरीके से बुरा हाल किया हुआ था इसने ये जो आज ये कहते हैं कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद ये ये इसी वजह से है कि इस शख़्स ने साफ साफ अल्फाज में ऐलान कर दिया था कि ना तो वही है न क़ुरान है और ना कोई ये सब बनी हाशिम ने लोगों को बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है यानी ये एक इस्लामी रियासत का खलीफा कह रहा है आम शख्स नहीं है आम शख्स तो आज भी कहते हैं बहुत सारे होते हैं लेकिन ये इस्लामी इस्लामी सल्तनत का खलीफा है और इनके बकौल रसूल अल्लाह का खलीफा है यानी रसूल अल्लाह के मसनत पे बैठा हुआ है बहुत बड़ी बात है ये, ये बहुत बड़ी बात है। एक बंदा जो रसूल अल्लाह के मसनत पे बैठा हुआ है वो ये कह रहा है कि कुछ भी नहीं है तो इसके लिए क्या इलाज क्या है इसका इसका इमाम हुसैन अगर ये इसके खिलाफ खड़े ना होते और ज़बान को बंद कर देते तो ये आजकल के दौर में आप देखते कि कोई इस्लाम का नामो निशान ही नहीं है सिर्फ़ अहले बैत है जिन्होंने आवाज़ उठाई सिर्फ अहले बैत है कि जिन्होंने आवाज़ उठाई और आवाज़ भी इस तरीके से उठाई कि बहुत अजीब अपने आप को जो के जाके कत्ल करा दिया करबला के सरजमीन में सरजमीन करबला पे इमाम की शहादत और अगर अहले बैत में से कोई आवाज़ न उठती और वो ये कहते कि हम तो चूंकि जहर इन इनके पास हुकूमत थी और हमारे पास हुकूमत नहीं है इमाम तो बार बार कह रहे थे मैं करबला में जाके शहीद हूँगा और इस किस्म के इशारे फरमाया करते थे लेकिन अगर इमाम वाक यानी एक आम आदमी देखे अगर एक शख्स भी एक नुकता मजीद आपकी खिदमत मैर्ज करूँ कि यजीद की बाकी सब साहबा ने यजीद की बयात कर ली थी माँ सेवा इमाम हुसैन आसलम के अगर अहल बैत में से भी आवाज़ न उठती अहल बैत से अगर आवाज़ न उठती तो इस्लाम का फातिहा जो है वो यजीद ने पढ़ लिया था कुछ भी नहीं बचा था इस्लाम का इस्लाम को जिंदा करने वाले हज़रत सैद शहदा अलैहिस्सलाम है अहल बैत से आवाज़ उठाई और एक ऐसी मोतबर शख्सियत है इमाम हुसैन आलम की अहल बैत से तो कोई भी आवाज़ उठा देता अहल बैत में बहुत सारे अफ़रा थे कोई भी आवाज़ उठा देता अगर वो शहीद भी हो जाता ना तो फिर भी कोई ज़्यादा असर न पड़ता चूंकि ये वो शख्सियत है जिसके लिए अल्लाह ने फरमाया अल हुसैन उमिनी व मिन अल हुसैन मैं हुसैन सी हूँ और हुसैन मुझसे हैं, ऐसी मोतबर शख्सियत है जिसके लिए कहा कि ये हसन और हुसैन जवाना ने बेहत है और ऐसी मोतबर शख्सियत है कि जिसके लिए बार बार हजरत रसाल आप सल्ला बायदगी से इनके लिए कह रहे हैं कि ये वो है कि जो मेरे दीन को बचाएगा ऐसी मोतबर शख्सियत उठ के वो अपनी कुर्बानी दे दे तो लोग भी जो इस्लाम वाले लोग हैं चूंकि उस जमाने में किसी की जरूरत नहीं थी कि वो हता इन जवाना ने बेश को कुछ न कुछ कह सके चूँकि साफ़ इनके लिए अदीस मौजूद है फजाइल और मनाकब तो दूसरे अहल बैत की भी है लेकिन वो फजाइल और, और मनाकब जो हजरत है जो हसनैन शरीफैन की है वो उस तक कोई नहीं पहुंच सकता कोई शख्स जो है वहां तक उस फजाइल में नहीं पहुंच सकता तो अर्ज करूं आपको कि यह मतबर शख्सियत जो इस्लाम की एक नहायत ही मतबर शख्सियत है इनकी शहादत अगर ना होती कोई दूसरा अहल बैत में से शहीद हो जाता बेशक किसी इन ही आफकार के साथ जो हजरत सैद शहदा के अफकार है फिर भी कोई असर न होता असर अगर होता तो बहुत कम इसबर शख्सियत को शहीद कर देना इनके खून चूंकि कोई रास्ता नहीं था और।, और कुछ है नहीं हो नहीं सकता पूरी हुकूमत उनके पास है पूरे के पूरे वसाइल उनके पास है पूरे पूरे इम्कान उनके पास है खिलाफत की कुर्सी पर वो बैठा हुआ है आप क्या कर लोगे आप क्या कर लोगे लोगों को वो ख़रीदने में माहिर है मुनाफिकीन का एक टोला उनके पास मौजूद है जो बड़े से बड़ों को गुमराह कर देते हैं इब्न ज़्याद जैसे अफराज और उसके अलावा बेशुमार काम जो उसके थे जो माओिया ने उनके लिए पूरा एक प्लेटफॉर्म और पूरी जो उनके लिए एक ढांचा बनाया था वो मुकम्मल वो लोग मौजूद थे उसी दौर में माओया ने पूरा ढांचा उसको बना के दे दिया था उसको पता था मेरा बेटा बेवकूफ़ है मेरा बेटा बेवकूफ़ है कुछ ना कुछ ख़राब कर देगा लेकिन उसके बाद जो है वो ये ये शख़्स जो है उन्होंने पूरा डांचा बना के उसको दे दिया और ये ये लोग जो है ये बड़े शातिर थे तो अर्ज़ ये है कि इमाम हुसैन आसमाम की शहादत अगर ना होती तो उसका अवलन तो कोई रास्ता नहीं था इस इस फसाद के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने का क्योंकि उसके बाद फिर जब इमाम की शहादत हुई है तो कहते हैं आसमान जो है वो सुरख हो गया और आसमान से बा, बारिश की जगह खून बरसने लग गया ये सब वाकयात लोगों ने देख लिए लोगों ने ये वाकयात देख लिए जब देख लिए उनको पता चल गया कोई नफ़्स जकिया है जिनको शहीद कर दिया गया है पता चला हज़रत सैद शहद और हत ये तसन्न की किताबों में मौजूद है इबन अब्बास ये उस दौर में जिंदा थे अबन अब्बास उस दौर में जिंदा थे उन्होंने कहते दोपहर का टाइम था और दस मुहर्रम को अचानक इसने ख़्वाब देख लिया कि ये फ़ौर उठे तो इन्होंने कहा कि ऐसा क्या वाक्य है आज तो उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को चूँकि पता नहीं था तो इन्होंने बाद में देख लिया कि उसी दिन जो है ये हजरत सैद शहम को शहीद किया गया था तो इन्होंने ख्वाब में देखा था कि खून को देखा था खून में ये खड़ा है यानी तो उन्होंने देखा कि रसालत माफ़ खून में खड़े हैं तो उन्होंने कहा कि यह कौन सा दिन है कहा यह दस मुहर्रम है और बाद में जो है इन्होंने कहा कि मुझसे रसोल्ला ने फरमाया था कि मेरा फ़र्जंद बिला जुर्म वल कर करबलाए मुकद्दस हमें शहीद किए जाएंगे और इसके अलावा दूसरे बहुत सारे रिवायातों में और हज़रत उम अलैहा उन्होंने जो वो किया था कि एक शीशी थी और उसमें उन्होंने खाक दिया हुआ था हज़रत सैद शहदलाम ने जब उन्होंने उसको खोला चूँकि इमाम ने फरमाया था कि इसको खोल ले अगर ये खाक जो है वो खून हो गया हो तो समझ जाना कि मैं शहीद हो गया तो उन्होंने देखा कि ये खून से खून को देखा कि वो खाक जो है वो खून में तब्दील हो चुका है और उसके अलावा जो है बहुत सारे जगहों पर हज़रत बल्कि खुद जब इमाम की विलादत बसादत होती है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सबसे पहले यही पेशनगोई देते हैं कहते हैं ये मेरा फ़र्जंद है जो करबला में शहीद होगा मेरे दीन को बचाएगा तो ये सबसे पहले और ख़ुद हजरत इमाम हुसैन आसम के अगर अकवाल को भी आप गौर से देखें तो वो भी मदीना से लेकर करबला तक यही कुछ कह रहे हैं किसी ने मैं मुझे करबला में शहीद किया जाएगा और मेरे यारान को भी शहीद किया जाएगा तो ये सब के सब चीज़ें जो आ, इमाम ने सबसे पहले पिशन गोईया की थी और ये पिशन गोईया हजरत यामीर सलाम ने भी की इमाम हसन मुशतबा सलाम ने और ख़ुद सैद सलाम ने भी आ, कहते रहते थे कि मेरी शहादत करबला में वाक़ होगी तो यकीनन ये एक नहायती लमहे फ़िक्रिया है कि आज के दौर में अफसोस है कि बाज़ जो है वो लोग इन चीज़ों की तरफ उठ जाते हैं और कुछ शख्सियात को बचाने के लिए वो इस चीज़ को बहुत ही कम दर्जे में जो है वो पेश करते हैं ये कोई कम वाक्य नहीं है यजीद की फिसक और फिस्क को साबित करना ये कोई ये इस पे कोई वो मुश्किल और एभाव वाली बात ही नहीं है अर्थ कर चुका हूँ वाक्य हिर्रा है शहादत हज़रत रसूल है और उसके अलावा जो है मक्का के ऊपर हमला कराना और उसको उनको बर्बादी बर्बाद करना ये सब चीज़ें जो है वो यजीद के किरदार में हैं तो अर्ज यह है कि हम लोगों को खसूस इन आयाम में बसीत तरीके से आज़ादारी करनी चाहिए बासिररत तरीके से और ये इमाम हुसैन आलाम का मिशन ये हर यजीदी के लिए है उस दौर का यजीद हो या जिस दौर का भी यजीद हो हज़रत इमाम हुसैन ने हर दौर की यजीद को उनके चेहरे से वो निकाब जो है वो हटा दिया है हर या हर दौर का यजीद जो है वो आपके सामने है आज भी आप गौर कीजिए आपने किसी की शख्सियत को देखना है तो आप देखेंगे कि इमाम हुसैन आसमाम की तवसत से ही उनकी शख्सियत हमारे सामने आ जाती है बड़ी आसानी से देखते हैं एक बड़ा जी बड़ी दाढ़ी रखी हुई है बहुत हाजी साहब बने हुए हैं लेकिन इन अहल बैत और इमाम हुसैन आसम की वजह से वो यजीद आज भी अश्कार हो जाता है बेनकाब हो जाता है पता चल जाता है ये भी उसी यजीदी फ़िरके का है और ये इमाम हुसैन का मुखालफ है तो सिपत रसूल का मुखालफ यकीन यजीद ही होता है और ये हमारे लिए बिल्कुल वाज हो जाती है यह बात तो लिहाजा हम लोगों को बासीरत तरीके से आज़ादारी करनी चाहिए और इमाम हुसैन आलाम के मकसद को मलहूज़ ख़ास रख आजादारी करनी चाहिए बहुत बड़ा एहसान है इस्लाम का इमाम हुसैन आलम का इस्लाम के ऊपर और अनबिया के ऊपर सब के ऊपर यकीनन है अगर न होता तो जो इस्लाम रसूल ने कह दिया था कि आज दीन कम्प्लीट हो गया मुकम्मल हो गया और उन्होंने मुकम्मल इस्लाम हमारे हम हमारे हाथ में दे दिया लेकिन यजीद और माविया जैसे लोग जो कि खड़े हो के इन्होंने वो रसूल की जो मेहनत थी उसको ख़त्म कर देना बल्कि मैं ये कहूँ कि अनबिया और सयाह अवलिया की वो जहमात जो थे उनको ख़त्म करने के लिए ये लोग आ, उसने हुकूमत भी इनके हाथ आ चुकी थी और ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना चाहते थे इन सब चीज़ों को लेकिन उस दौर में हज़रत सैद शहदा सलाम ने एक अज़ीम कुरबानी दे के अपने नाना के दीन को बचा लिया इस्लाम को बचा लिया दीन ख़ुदा को बचा लिया तो हम लोगों को बासिररत तरीके से आज़ादारी करनी चाहिए और आज़ादारी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए इश्क में हज़रत इमाम हुसैन आलम के इश्क में यकिन आज़ादारी का, का सिला मिलता है और यकीनन ये आज़ादारी जो है इसको आप कम ना लें आज़ादारी को कम ना लें आ, इमाम हजरत इमाम जाफर सदस्य ने फरमाया कि खुदा की रहमत हो उन उस उन अशास के ऊपर जो 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 हमारे गम में जो है वो ज, जजा की हालत में पहुँच जाते हैं मुस्तरब हो जाते हैं जिसको कहा जाए मतरब हो जाते हैं खुदा की रहमत है उन लोगों के ऊपर तो ये इश्क है और जजा की अगर आप देख लें तो जजा में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं यानी अर्ज़ यह है कि जजा जजा जो है वो कहते हैं बेताबी को कहते हैं बेकरारी को कहते हैं आजकल के दौर में जो कम आजनी करते हैं या जंजीर जंजीरजनी करते हैं या जो कुछ भी करते हैं ये ये सब जजा है जजा ये ये आपकी बेकरारी है आप इश्क में हैं आप इश्क में मुबतला है आप जो है आप जजा की हालत में इमाम जो है उनसे राजी है जो इमाम हुसैन के लिए जज़ा की हालत में बेकरारी की हालत में बेताबी की हालत में आ जाते हैं वगरना आप यकीन फरमाओ कि एक शख़्स जो है छोटे से चाकू चाकू से अपने खून को अपने अपने उंगली को जो उंगली से खून तक नहीं बहा सकता लेकिन ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इश्क़ है कि जो लोग अपने सरों पर कमाज़नी करते हैं अपने जंजीर जनी करते हैं खून बहाते हैं इमाम हुसैन आलाम के इश्क में तो इन चीज़ों को छोटा नहीं समझना चाहिए ये इमाम जाफर सदसम ने इन लोगों के लिए मखसूस जो है वो इनसे राज़ी है कि जो हालत जजा में जाते हैं और और हर किस्म की वो किसी चीज़ से गोरेज़ नहीं करते इमाम के लिए अपने माल पैसा दौलत यह सब चीज़ उठा देते हैं आप एक एक देखें आज़ादारी के लिए जब एहतमाम लोग करते हैं कितने लाखों रुपया ख़र्च हो जाता है लोग बहुत सारे इश्क़लात करते हैं कहते हैं इन पैसों को जाके यतीमों में बांटो उसमें भाई यतीमों को बांटने से कोई दीन जिंदा होता है ये सवाल है यतीमों में बांटने से कोई दीन जिंदा होता है नहीं होता आप जाके गरीबों में बांटोगे कोई इस्लाम कोई इस्लाम जिंदा होगा नहीं होता बस इन लोगों के लिए जवाब ये है ये जो इश्काल करते हैं ये जो बात करते हैं ये दीन के एहिया है एहिया अमर अला ही है आप यातीमों में बाटोगे तो ठीक है स्वाब तो मिलेगा कोई दीन जिंदा होगा नहीं होगा आप जो है वो बाज़ लोग ये कह देते हैं कि ये खून जो जिसम से निकलता है जाके किसी बीमार को दे दो ठीक है बीमार को भी दे देंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि अभी अब हुसैन इमाम हज़रत सैद सलाम के जो आज़ादार है वो बड़े 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 खूबसूरत होते हैं बड़े बड़े नरम दिल होते हैं उनके वो उनको भी दे देंगे लेकिन इमाम हुसैन के लिए जो खून बहा रहे हैं ये दीन की अहिया कर रहे हैं तो ये इसका अजर जो है वो कहते हैं उसका अजर ज्यादा है इसका अजर ज्यादा है मैं कहता तुम दीन को जिंदा करने का अजर ज्यादा है आज इमाम हुसैन आसम टी वी से हम ये कह रहे हैं कि दीन को जिंदा करना ज्यादा अफजल है आप किसी एक छोटा मोटा काम कर रहे हैं वो उसका सवाब है सवाब है लेकिन अगर आप उसी से आपका काम छोटा है लेकिन उसे ए दीन हो रहा है यानी जब आप खून खून का मातम करते ये दीन है लोग देख रहे हैं कि ये लोग इमाम हुसैन के लिए इनके जिसम इनकी रूह तड़प रही है ये इमाम हुसैन आसलम है कि जो जिन्होंने दीन को ज़िंदा कर दिया और ये आजादा रान हज़रत सैद शहदा ये उनके नायब है नयाबत आमा जहाँ पर हम कहते थे ये वही लोग हैं तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एहिया अमर अलाही और इमाम हुसैन आसाम के मिशन के ऊपर चल के दीन के हिया करनी चाहिए किसी की कोई वो नहीं है ये जो मरासम हमारे बुजुर्गान और हमारे दूसरे अफराद ने ये ये सब चीज़ें की है तो हमें भी यही चीज़ें करनी है और यकीन इसी से ही हमारी ज़िंदगी है और इसी इसके अलावा हम रह भी नहीं सकते यानी यानी और कुछ नहीं हो सकता है इसके अलावा तो हम लोग जो है वो इमाम हुसैन आसमाम के मिशन पर चलने वाले लोग हैं बेशक कोई कुछ भी करे में भी जो आज़ादारी के ख़िलाफ़ है जो अफराज आज़ादारी को हल्का करने के चक्कर में हैं उनकी तरफ भी जाने से गोरेज किया जाए और उन उनमा की तरफ जाना चाहिए जो आज़ादारी को फ़रग देने वाले हैं आज़ादारी को फ़रो देने वाले के पास जाना चाहिए मुहर्रम के आयाम है और कोई भरोसा नहीं है अपनी ज़िंदगी का इनको बल्कि मैं तो कहता हूँ कि एक मोमिन को हर दिन अपना आखिरी दिन समझना चाहिए हर नमाज को अपना आखिरी नमाज़ समझना चाहिए कि मैं आखिरी दफ़ा नमाज़ पढ़ रहा हूँ कोई भरोसा नहीं है और हम लोगों को यह अपना आखिरी मुहर्रम समझ के करना चाहिए और कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए आज़ादारी में बेशक जो भी हो जाए पैसे खर्च हो जाए होने दो वगरना मैं इसी अनवान से कह रहा था कि इश्क बहुत बड़ी चीज़ है वाकया वगरना आप गौर करें जब आपसे कोई मांगता है ना आप एक 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 जो आप जेब से आपका पैसा निकल रहा है वो भी आपको तकलीफ़ होती है लेकिन मौला इमाम हुसैन आलम के जो आज़ादार है लाखों रुपया ख़र्च कर देते हैं एक एक अशरे पर एक एक अशरे पर कितने लाखों रुपया खर्च कर देते हैं और इश्क में वो अपने इश्क में वो कर रहा है ख़र्च कर रहे हैं तो अब जो तकलीफ़ है वो तकलीफ़ फिर दूसरे लोगों को होती है जो मुफ्त वाले अफराद हैं उनको तकलीफ़ होती है भाई तू तो नहीं दे रहा ना आप नहीं दे रहे ना कह आपको इश्काल करने की क्या जरूरत है भाई इश्काल वो करे जो दे रहा है वो दे रहा है तो उनको देने तो आपको क्या है आप ना दें आप आज़ादारी में भी शिरकत ना करें जो जैसी आपकी मर्जी है मुफ्त वाली आज़ादारी ये इश्क है मोहब्बत है ये इश्क है अहल बहत के साथ तो वो इश्क में कर रहा है ये नादान इंसान जो है वो कहाँ इन चीज़ों को समझेगा ये समझना जो है ये बाला तर है और इश्क जो है वो रान हज़रत सैद शहदा से भी हमें सीखना चाहिए जो इश्क़ है अजीब इश्क़ है इनका और उनको भी पता था कि हमारी यहाँ पर शहादत हो जाएगी वो शहीद हो गए शहादत हो गई तो हम लोग भी इसी तरीके से है तो लिहाजा हमारी वक्त जो है वो भी तकरीबन हमारा अख्तितमाम पर पहुँच रहा है आज हमारे मोज़ज़ मेहमान हजरतमसलम अली जनाब मौलाना सैद नज़र मोहम्मद जैदी जैनबी साहब तशरीफ़ नहीं लाए आ, शायद हो सकता है उनकी कोई मुश्किल और कोई मसरूफ़ियात हो बहरहाल उनको भी सलामत रखे मौला आज़ादा रान हज़रत सैद शाम को भी सलामत रखे आप सबको मौला सलामत रखे और आप लोगों के लिए दुआोह है कर बनाएँ मुक़दसा में ये सरज़मी इश्क है आज़ादारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और हर तरीके से इन शह आज़ादारी को बेहतर से बेहतर तरीक़े से करना चाहिए और आ, जो है वो भी इस चीज़ की तइद करते हैं और आज कल के जो महाराजे के नाम है और अजीम मराजे हैं वो भी इन चीज़ों की तइद करते हैं कि आज़ादारी ही दीन है और इसके अलावा और कोई चारा नहीं है तो लिहाजा हमें मालह और इनके फ़राम पर अमल करते हुए बेहतरीन से बेहतर से बेहतरीन तरीके से आज़ादारियाँ अंजाम देनी चाहिए और अपने बच्चों को भी इस चीज़ की तब्ली करनी चाहिए अपने बच्चों को भी इनकी तरफ रगबत देनी चाहिए और हर तरीके से बहरहाल क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन आलाम ही दीन के अहियागर है इन्होंने ही दीन के अहिया की है और हम भी इनकी सीरत पर चलने वाले हैं इन अज़ीज़ और इनशाला अजीज सबसे पहले यह है कि मैं कुछ बात भीनवान से कर रहा था कि यहाँ पर जो है आज़ादारी है और आज़ादारी में एक चीज़ का आपकी तरफ में एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए अपनी आज़ादारी को हज़रत इमाम जमाना सलाम को हाज़िर नाजर करके कीजिए चूँकि असल जो वारिस है आज़ादारी का वो हज़रत इमाम ज़माना सलाम है और इमाम जमाना सलाम हमें देख रहे हैं और हमारे हाल अहवाल से बबर है तो पुरस्त समझ के आज़ादारी की, किया कीजिए और पुर्त समझ के अवाम ज़माना सलाम को हाजिर और नाज़र देख के आज़ादारी किया कीजिए मजालस में शिरकत ज़रूरी है मजालस में ज़रूर शिरकत फरमाए जहाँ तक हो सके दिन में तीन मजालस है दो मजालस है पाँच मज़ा जितनी बंदी की वो सत है और इन दिनों में वो नमाज ऐसे फरमाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें आज़ादारी पर ही वो करना चाहिए तोज्जो रखनी चाहिए और जो दूसरे काम है दुनिया के जो बहुत ज़रूरी काम नहीं है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो उनको भी तर्क कर दिया जाए फरमाते हैं कि इन दिनों में उनको भी तर्क करें मखसूस ये जो दस दिन हैं अवल मुहरम से लेकर दस दिन ये दस दिन जो है इन में जो ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं है उनको भी तर्क करें इंसान और आज़ादारी ही आज़ादारी करे और इस बाब में अदीस भी है कि मासूमिनल्लाम इन दिन को इन दिनों को मखसूस नहाय अहमियत दिया करते थे और आ, ये जो है सुन्नत है, आयम अतःारेमा की भी यही सुन्नत रही तो हम लोगों को कोयमा और सलह के सुन्नत पर अमल करते हुए आज़ादारी इमाम हुसैन आलम को बामारफत और बसीरत के साथ अंजाम देनी चाहिए और जो बात आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका हूँ कि इमाम ज़माना आसलम जो कि वक्त के इमाम है उनको अपने तोज्जो में रखें और आज़ादारी को पुरसत समझ के उनकी खिदमत में पेश करें हजरत ख़ुदा के जहूर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करनी चाहिए इन इस महीने में और आखिर में वही दुआ करते हैं जो कि हमेशा में करनी चाहिए अल्लाह अल्लाज फ़रज